सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। ते अज दी वीडियो जिहड़ी आ उह हैगी स्प्रे दे उपर। ते असीं अपने फार्म दे अंदर करवा रहे आ अज स्प्रे। ते इह स्प्रे हैगी आ जी डिटेंसू दी, फार्मालीन दी ते डिटोल दी। ते इह स्प्रे सारे क्यूबिकल्स फार्म दे अंदर, फार्म दे अराउंड हर तरफ कीती जाएगी, तां कि जिहड़े हुमस विच बैक्टीरिया ते इन्फेक्शन आउंदियां ने पशुआं नूं, उन्हां दा बचा उन्हां तों बचा कीता जा सके अपने पशुआं दा। ते एक कमेंट सीगा कि तुसीं अपने फार्म विच अपने पशुआं नूं मच्छरां तों किवें बचांदे हो। ते साडे जिहड़े फार्म दे विच जिहड़े ने पक्खे ये चलते रहिंदे ने, 24 घंटे चलते रहिंदे ने। ते जिहड़े फारे आ ये भी चलते रहिंदे ने, इन्हां दा असीं टाइमर सैट कीता होया। 2 मिनट फारे चलते ने ते 5 मिनट ये जिहड़े आ बंद रहिंदे ने। ते ये चलते रहिंदे ने ते जितों पानी गावां दे उपर डिगदा आ ते मच्छर मक्खी इन्हां दे लागे नहीं आउंदा, क्योंकि जिहड़ा पानी आ ये मक्खी ते मच्छर इतों दूर रहिंदा आ। ते जदों पानी मच्छर दे परां ते लग जांदा ते ओह उत्थे ही डैड हो जांदा, खत्म हो जांदा। सो असीं अपने फार्म ते मक्खी मच्छर तों बचा करन लई इक ते असीं स्प्रे करदे आ हफ्ते विच इक वारी, जे लोड पवे ते 2 वारी भी कर दी। ते बाकी पखे ते जिहड़े शावर आ ओह चलदे आ, जिस तरह शावर बंद हो गया ते 5 मिंट बाद फिर जिहड़ा शावर ओह अपने आप चल पैणगे। ते इस तरह इक ते गावां जिहड़ियां वा ਉਹ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ TMR ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਮਸ ਵਾਲਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹਲਫਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਹੀਟ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। 20 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 1/2 ਲੀਟਰ ਫਾਰਮਾਲੀਨ ਤੇ 200 ml ਡਿਟੋਲ, 200 ਤੋਂ 250 ml ਡਿਟੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 12 ਜਾਂ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਪੰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਆ 5-6 ਪੰਪ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਡਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਪਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਣ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਛੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਛਿੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਗਾਂ ਡਰਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਣ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਡਰ ਆ ਅਡਰ ਸੈੱਲ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਡਰਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਣ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਡਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੇਅਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਣ ਆ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗਾਂ ਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗਾਂ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ 3 ਹੀ ਥਣ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਜਦੋਂ ਹੀਫਰ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਥਣ ਨੂੰ ਮਿਸਟਾਈਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਣ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਈ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਾਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥਣ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 52 ਲੀਟਰ ਪਲੱਸ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਲਾਈਵ ਮਿਲਕਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਥਣ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਗਾਂ ਨੇ 52 ਲੀਟਰ ਪਲੱਸ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਗਾੜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਣ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦਾ ਥਣ ਆ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਆ ਪੂਰੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਆ ਉਹ 3 ਥਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਥਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
सिर्फ ते सिर्फ गां ते फोकस करो कि जेड़ी तुहाडी गां वा हुण उहनू जल्दी तो जल्दी जेड़ा वा टीकियां दे स्ट्रेस चो बाहर लियाईए, उहनू ताकत वाले इंजेक्शन प्लस एनर्जी वाले जेड़े आईवी उहनू एनर्जी दो, ते जेड़ी गां वा ओह जल्दी तो जल्दी अपने आप नू जेड़ी आ ओह रिपेयर कर ले ते अपने जेड़े मिल्क ते आ जाए अपने जेड़ी दुध ते आ जाए। ए वाली गां आ थान विच हो गई सी प्रॉब्लम, दूसरी गां ने इनू हिट करता सी, ए हीपर सीगी ते दूसरी गां ने इहदे अडर च हिट करता ते इहदा जिहड़ा थान सी ओह डैमेज हो गया इक, ते इन्नी ज्यादा स्वेलिंग होई नाल ही मस्टाइटिस होई कि जिहड़ी साडी गां सी इह बैठ गई ते असीं फिर इहदे थान दी जिहड़ी चिंता नूं छड्ड के कि थान जिहड़ा डैमेज हो गया वा कोई गल नहीं बाद विच सैकंड लैक्टेशन रिपेयर हो जाएगा, जे नहीं भी होएगा तो तीन थनी हो जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं। असी इनू रिकवर किया, असी इनू रिकवर किया, इंजेक्शन लगाए, माईफेक्स लगाए, ते इनू रिंटोस लगाए, एनर्जी वगैरह दिती, फिर ताकत वाले इंजेक्शन लगाए, ते ए जड़ी साडी गां सी दो तीन दिन बाद उठ गई, ते वीहां दिन ते मतलब इन्हें जड़ा अपना दुध आ देना शुरू कर दिता, क्योंकि इन्हें दुध ही बंद कर दिता सी, बहुत घट दुध हुंदा सी, इन्ना स्ट्रेस विच चल गई सी मेरी पांच नंबर दी गां। ते फिर जदों हौली हौली इन्हें फर्स्ट लैक्टेशन विच ते चलो इन्ना दुध नहीं दिता क्योंकि ये जदों काविंग कीती सी ते इहदा जिहड़ा थण सी ओह खराब हो गया दूसरी गां ने हिट करन करके, ते थण जिहड़ा उहदा डैमेज हो गया। फिर बाद विच जदों इह सैकंड लैक्टेशन च आई काविंग कीती इन्हें ते इहदा जिहड़ा थण सीगा ओह नहीं चलिया ते थण जिहड़ा सूंगड़ गया, ते फिर भी इन्हें 52 लीटर 52 लीटर जिहड़ा दुध आ ओह तिन्ना थणा चो दिता। सो इन्नी घबराउण वाली गल नहीं आ कि जे पशु तीन थण वाली गां हो गई आ ते कोई गल नहीं आ, पर ए आ कि जिहड़ा पशु आ ओह ठीक रहे, हैल्दी रहे, ते पशु नू दे थण नू ज्यादा एंटीबायोटिक ना ला के जिहड़ा थण डैमेज हो जांदा ओह डैमेज ही हो जांदा वा, ओहनू ना रिपेयर करो जद कि अपने पशु दी सेहत दा ध्यान रखो ते ओनू रिकवर करो ता कि जल्दी तो जल्दी रिकवर हो जाए। ते तीन थण वालियां गाइयां जिहड़ियां वा इन्ना फर्क नहीं पाउंदियां अपनी प्रोडक्शन ते, अपना जिहड़ा मिल्क आ ओह दूसरे थणा चो दई जांदियां ने तिन्ना चो, ते सो जे तुहाडी गां दा थण जिहड़ा डैमेज हो भी गया वा ते कोई गल नहीं आ, घबराउण वाली कोई गल नहीं आ, तुसी बाकी ओहदी सेहत दा ध्यान रखो ते बिलकुल जे ओ सूंगड़ भी गया वा ते ओ ज्यादा वधिया, क्योंकि जे थण नहीं सूंगड़दा ते ओहदे विचों पाक जी वगदी आ ते थण दा जिहड़ा साइज आ अडर दा ओ वड्डा होई जांदा ते ओ प्रॉब्लम दिंदा आ, क्योंकि ओ गां नू पेन दिंदा आ ते जिहड़ी गां वा स्ट्रेस विच रहिंदी आ। ते जे थण सूंगड़ जे तीन थणी हो जे ओहदी कोई गल नहीं आ, ओ अपना जिहड़ा प्रोडक्शन आ मिल्क प्रोडक्शन आ ओ तुहानू दिंदी रहेगी, वधिया देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एहो जिहा फार्म नाल रिलेटेड वीडियो देखने वास्ते मेरे चैनल नू करो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।